मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र बढ़ियाखेड़ी में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आईटीसी लिमिटेड कंपनी के दो नए कारखानों इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी और सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी और जिले के चारों विधायकगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आईटीसी लिमिटेड की स्थापना से क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार मिलेगा। आज खेती किसानी के मामले में मध्य प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश ने 1.5 दशक तक 18% की कृषि विकास दर प्राप्त कर चमत्कार किया। सीएम ने कहा कि किसान चिंता ना करें, हर संकट से निपटने के लिए सरकार उनके साथ है। कहा कि किसानों से खेतों को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को फसल उत्पादन के पैटर्न को बदलना होगा। सीएम ने कहा कि आईटीसी किसानों के साथ मिलकर उद्योग और खेती के विकास दोनों के लिए कार्य कर रही है। इस उद्योग के लगने से सीहोर और आसपास के 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में अच्छी वर्षा के लिए कल उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजन अर्चन करेंगे। 6000 बच्चों को रोजगार मिलेगा और इस इलाके की आर्थिक हालत बदलेगी। एक चिंता मेरे मन मस्तिष्क में है, हम सब चिंतित है कि एक महीने से लगभग बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और इसलिए अब हमारी फसलों पर संकट के बादल छाए हैं। बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर रहे हैं। भोपाल जाके मेरी अभी बैठक है, उसी में मैं सीधे जा रहा हूँ ताकि अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर हम विचार करके आगे क्या कदम उठाएं ये तय कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ भगवान से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों से मेरा कहना है, कल मैं महाकाल महाराज के दरबार में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पूजा करेंगे कि बारिश हो जाए और सब अपने अपने विश्वास के अनुसार सब अपने अपने गांव के मंदिरों में पूजा करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें, ताकि प्रार्थना में शक्ति होती है। भगवान से भी हम प्रार्थना करके संकट से अपने किसानों को बचा सकें। मैं अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ूंगी।